चलो जी चलो जी, यहाँ पर आप देख सकते हो जाम ही जाम। हेलो भाइयों, क्या हालचाल। मैं आपका भाई वसीम लेके आया हूं सभी के लिए एक नई यूट्यूब वीडियो। तो चलो भाई, आज इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं, यहाँ से करेंगे लोड एप्पल। देखते हैं वहीं पे कहाँ का लोड मिलेगा, वो तो वहां जाकर ही पता चले। तो भाई साहब, हम करते हैं इस ट्रिप की शुरुआत यहाँ से और इस दिन का शुरुआत यहाँ से। तो भाई, हम करने जा रहे हैं अभी गाड़ी स्टार्ट लेके ऊपर वाले का नाम। चलो जी चलो जी चलो जी, करो स्टार्ट। तो चले चलो भाई जी, जाएंगे लोड करने। अब थोड़ी हल्की सी बारिश हुई है, तो चलो भाई जी वहां चल गई, आपसे मुलाकात होगी फिर से। हम तो पहुंच गए अपने लोडिंग जगह पे। यहाँ पे हमें क्या क्या अपना दाल वाला और हटे वटे वो सब खाए, और जो हमने कल परसों जब हमने लोड किया था ना वो गत्ते, उसके लिए हमने ये जो बत्ती थे वो हमने निकाल दी थी। अब क्या करना है, अब इनको फिर से लगाना है इधर, क्योंकि सेब लोड करने है। सेब की पेटियाँ थोड़ी सी आ गई, अभी लोड स्टार्ट हो जाएगा। बत्ती हम बांधते हैं, उसके बाहर लोडिंग स्टार्ट होगी अच्छे से। और कानोई भी आज दिन के लगभग 12 बजे छोड़ दी जाएंगे श्रीनगर टू जम्मू, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। भाई साहब कहाँ जाना है, लोड कहाँ का मिल गया, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। चलो भाई साहब, पहले अपना काम खत्म करके बैठते हैं। लोडिंग भी स्टार्ट हो गई, तो पहले जगह पे हमने लोड किया आधा गाड़ी, अब आए हैं हम दूसरी जगह पे। यहाँ पे हैं, दिन के बज गए अभी 1:30। कंप्लीट, और फटे वटे डाला भी हमने बंद कर लिया। अब जल्दी से निकलेंगे यहाँ से और पकड़ेंगे कानवाई। भाई साहब कानवाई तो छोड़ दी गई, अब जल्दी जल्दी करना है, हमें निकलना है पहले। चलो भाई, त्रिपाला उपाला आगे हम डालेंगे। चलो हम तो पहुंचे अभी बोनी गांव, तो यहाँ पर ही जाम लगा हुआ, कानवाई तो छोड़ दी गई। अब पता नहीं कानवाई छोड़ी है या बंद की हुई उन्होंने, फिलहाल यहाँ पर जाम लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जाम ही जाम। हमने क्या किया, हमें त्रिपाला वपाला तो हमने कुछ भी नहीं डाला, हमने सोचा अगर हम त्रिपाला डालेंगे तब तक आधा घंटा और लग जाएगा त्रिपाला डालने में, रस्सी बांधने में। हमने फिर कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही आ गए, खाली रस्सी बांधी है ऊपर और निकल गए यहाँ से। चलो भाई इधर जब देखते हैं, हम कानवाई बांध की है नहीं, छोड़ देंगे तो यहाँ से हम जाएंगे, हम डायरेक्टली पहुँचे इधर हाईवे पे। भाई जी जल्दी है जल्दी, एप्पल लोड है एप्पल लोड। यहाँ से आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ जो है पीछे तक लाइन लगी हुई है, पीछे तक, और इस साइड से भी आगे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। Thank you.
भाई साहब ये चढ़ गए हम हाईवे पे और कान्हा भी छोड़ दी गई है, अब स्लो मोशन है जा रहे हैं जम्मू की तरफ। ये देखो भाई साहब इस गाड़ी का क्या हाल हुआ है, पता नहीं कहाँ पे पलट गया। ओ भाई साहब ये पलट गया है पता नहीं कहाँ पे, तो इसकी हालत ही खराब हो गई पर हेवी तक ऐसी, मतलब बिना त्रिपाल की, त्रिपाल हमने डाला नहीं, आराम त्रिपाल डालते ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता आधा घंटा, तो हमने वो काटी के हमने सोचा आगे चलकर मतलब ये जो है टनल वो क्रॉस करके हम त्रिपाल छोड़ेंगे। पर हम पहुंचे यहाँ बोनी गांव में हाईवे पे, तो यहाँ पर हमने देखा तो थोड़ा सा जाम लग गया था आगे से, तो गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तभी हम जल्दी से चढ़ गए, जल्दी हमने त्रिपाल डाला और अभी त्रिपाल डाल थोड़ा सा हमने डाला त्रिपाल, इसी के साथ हमने ऊपर से रस्सी बांधी और चल निकले यहाँ से। चलो भाई साहब अब कान्हा का वेट करते हैं, देखते हैं आगे आगे स्लो मोशन, जब तक ये टनल क्रॉस नहीं होगी ना तब तक यही जाम देखने को मिलेगा, मतलब यही स्लो मोशन दोनों तरफ से गाड़ियाँ। आगे टनल जब ख़त्म होगी उसके बाद पता नहीं जाम होगा या नहीं, वो तो डिपेंड करता है आगे सिचुएशन पे। फिर भी बानिहाल में अक्सर जाम देखने को मिलता है जब हम यहाँ से जाते हैं ना, हमेशा 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 जाम वहाँ पे होता है। अभी देखते हैं आज होगा या नहीं, क्या किस्मत होगी अपना, तो चलो चलते हैं यहाँ से देखते हैं आगे आगे। समझ रहे हो ना हम कहाँ पर है, टनल में है, जो नई टनल बनवाई है ना उसी में जाम लग गया भाई साहब, कम से कम आधा घंटा हो गए हमें इसी में रुके हुए, और ऊपर से इसमें धूल बहुत ज्यादा है भाई साहब, क्या करें, थोड़ा थोड़ा हम जीरो स्पीड में चलना पड़ रहा है, आधे घंटे से जीरो स्पीड में चल रहा है, पर कम से कम ये टनल जो है 8.5 किलोमीटर बनती है। आज अपने कश्मीर में ना आई मेवाती गाड़ी, ये देखो भाई साहब मेवाती गाड़ी आज यहाँ पर भी देखने को मिल गई। तो जी भाई हमने अभी क्रॉस किया है बानिहाल टनल, तो अभी बज गए हैं 7:05, तो इस वक्त हमने क्रॉस किया, कम से कम 2 घंटे टनल में रहे जाम में। तो ये अपना वसीम भाई गाड़ी चला के बहुत थक गया, आंखें लाल हो गई धुएं से क्योंकि टनल में बहुत धुआं था, जाम में थे टनल में। तो भाई अब हम देखेंगे आगे की तरह यहाँ तक भी आगे भी जाम होगा। तो फाइनली हमने टनल क्रॉस किया, तो तेल पता है कहाँ पे, तेल तो यहाँ पे था बराबर बीचों बीच 1/2 पे फ्यूल था, मतलब आधी टंकी थी। देखो भाई साहब कहाँ पर पहुँच गई अभी टंकी, ये हुआ टनल में इतना जाम लगा था ना, एक नंबर में ही चलना, तो जाम तो अभी भी लगा हुआ है। ये जाम अब बानिहाल का है, जब बानिहाल का जाम बहुत ही मशहूर होता है, मतलब ये बढ़िया जाम होता है, यहाँ पर आसानी से खुलते नहीं है, बहुत जाम लगा होता है। जब जाम हो जाता है ना यहाँ पर फिर पूछो मत कब छोड़ते हैं। ये देखो अपने साथ है, अपने आगे है अपना मेवाती भाई की गाड़ी एकदम पैसा, वो पीछे तो जाम लगा हुआ है। अभी तो हम खाली यहीं पे हैं, मतलब वो जो है टनल का टोल प्लाजा है वो वाला, मतलब बानिहाल साइड में, और ये रहा अपना आसिफ भाई, छोटे छोटे टायर में जो पत्थर होते हैं वो निकाल रहा है, वो तो आपको पता ही है कैसे निकालना है क्या करना है, इस टायर में भी इसके बाहर निकालना है। व्यू कैसा आ रहा है यहाँ पे, बराबर व्यू कैसा आ रहा है यहाँ पे भाई साहब, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना है यहाँ का व्यू कैसा लगा आपको, इसका व्यू देखो भाई साहब पूरा नज़ारा देखो, यहाँ का व्यू कैसा आ रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है इधर रुके, मैं अपना गाड़ी से नीचे मैंने सोचा इधर का व्यू आपको दिखाएंगे अच्छे से, मैंने तो देखा अब आपको भी दिखाएंगे भाई साहब, ये देखो पूरा व्यू, कुछ कमी नहीं है इस व्यू में, ये रात में ऐसा दिख रहा है, तो दिन में कैसा दिखता होगा इधर वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, मतलब जब हम वापसी में आएंगे ना इधर अगर दिन में पहुंचे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा यहाँ से। मैं भाई साहब यहाँ पर जाम में ना बैठ के अब थक गए, पक गए यहाँ पे बैठ के, हम तो पूरी तरह से बैठ के यहाँ थक गए, आप कुछ बोल नहीं सकते कब छोड़ेंगे यहाँ से, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम, अब देखते हैं कब छोड़ेंगे, तब तक यहीं पे ही बैठेंगे।
शाम का टाइम हो रहा है ना, अभी ठंडी भी महसूस हो रही है, थोड़ी सी कश्मीर का हवा चल रहा है ना। तो भाई जी अपनी गाड़ी तो की है खड़ा यहाँ पे, हम जाएंगे यहाँ पे चाय पीने के लिए, इधर ही रोड के साइड में चाय पियेंगे, उसके बाद जब तक जाम खुलेगा। तो भाई जी मैं गया था चाय पीने के लिए, साथ में यहाँ पे कानवाई छोड़ दी गई और मैंने लाया अपना चाय का कप साथ में। चलते हैं अभी, भाई उधर ही रुके, मैं तो चलूंगा आगे आगे, वो भी आएंगे फिर चल के, मैं तो कानवाई में ही चलूंगा। भाई साहब 2 घंटे हो गए हमें जाम में, अभी भी हम बानाल नहीं पहुंच रहे हैं। ये अब पहुंच गए, ये जो है अभी हम 4 लेन यहाँ से क्रॉस करके चढ़ेंगे, जो पुराना वाला रोड था ना अभी उधर ही चढ़ने वाले हैं, जम्मू इधर से। भाई साहब सारे ट्रक लाइन में लगी हुई है और जाम काफी सारा है पीछे तक ही जाम। तो भाई साहब तेल खत्म हुआ ना, हम आए यहाँ पंप पे बानियाल में ही, तो यहाँ पर हम डालेंगे अब तेल, थोड़ा सा जाम खुल गया, अब पता नहीं आगे होगा कि नहीं, हम पहले डालेंगे तेल और लेंगे यहाँ से बाजार में से थोड़ी सी सब्जी वब्जी और खाना वाना अपना तैयार करेंगे यहाँ पे ही गाड़ी में ही चलते हुए, फिर पता नहीं कब खाएंगे कब नहीं। तो भाई साहब तेल तो यहाँ पे डाल दें क्योंकि तेल कम पड़ा है ना, अगर जाम नहीं लगा होता ना मैं तो खाली 1 नंबर में चलना पड़ा बराबर काजीगुंड से यहाँ बानियाल तक, अरे जाम नहीं लगा होता ना फिर अपना तेल तो बराबर था पंजाब तक। यहाँ पर बहुत सारा जाम देखने को मिला आज, बहुत अजाब हो गए यहाँ पे भाई साहब। चलो भाई इधर जल्दी जल्दी हम तेल भरते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ जाती हैं ना आगे आगे फिर जाम लगता है, अगर पीछे रह गए फिर जाम में फंसोगे, इसलिए पहले पहले निकलो। ये बानियाल का मार्केट और यहाँ पे हमने तैयार किया अपना खाना, चावल तो पक रहा है, अभी गया है भैया सब्जी लेने के लिए, वहाँ से सब्जी और उसके बाद सब्जी भी पकेगी, चावल तो पक रहा है अभी वो बनेगा और आगे से हम पकड़ेंगे, और पानी भी थोड़ा सा कम पड़ गया, पानी भी लाएंगे आगे से। चलो भाई यहाँ पर खाली जाम ही जाम है, मुझे तो लगता है ये टंकी भी ख़त्म हो जाएगी, बोल आएगा सब्जी बनाएंगे फिर सब्जी आगे खाएंगे, चलते चलते खाना, चलती हुई गाड़ी में खाना पकेगा भी और खाएंगे भी। गाड़ी की हमें ग्रीस करवानी थी, यहाँ पे रखे हैं हम बानियाल में, यहाँ पे ही करेंगे ग्रीस। चलो भाई इधर से हम करेंगे पहले ग्रीस, ये भाई साहब कर रहा है ग्रीस, हम तो घर में भी करवा सकते थे ग्रीस, पर क्या हुआ घर में टाइम ही नहीं मिला, हमने जब अनलोडिंग की उसके बाद सुबह ही हमने फिर से लोड किया, टाइम मिला नहीं, मतलब ग्रेस करने का और कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं मिला, खाली सो गए और सुबह हो गए और कर लिया लोड फिर से आ गए वापस। चलो भाई जी यहाँ से ग्रीस करवाते निकलते हैं फिर, ग्रीस तो ख़त्म की, अब क्या करना है, फिल्टर को हवा देना है, फिल्टर तो खुलाया, वो भाई ले गए उधर अंधेरे में है वहाँ पे, वो हवा दे रहा है, वो साफ करके लगाना है फिल्टर, उसके बाद निकलना है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, चावल तो लगाया है, अब ये पक जाएगा, कुछ टाइम लगे 5 मिनट और लगेंगे इसके।